जीरम रोड आगजनी कांड में घर के मुखिया की मौत होने के बाद जूझना पड़ रहा समस्याओं से, आर्थिक तंगी झेल रहा पीड़ित परिवार। जीरम रोड आगजनी कांड का पीड़ित परिवार इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। घटना में घर के मुखिया संजय झा की मौत होने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि संजय झा के पिता श्रीनाथ झा की मौत पूर्व में हो चुकी है, अभी संजय पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अपने घर पर रविवार को बातचीत में दिवंगत संजय झा की घायल बहन निक्की झा ने पूछने पर कहा कि अभी जैसे तैसे परिवार चल रहा है, सगे संबंधियों से मदद मिल रही है, कुछ कर्ज भी हो गया है। रूधे गले से निक्की ने कहा कि जब कमाने वाला चला गया तो इस तरह की समस्या तो होनी ही थी। निक्की ने कहा कि आगजनी की इस घटना में मेरे दोनों पैर झुलस गए हैं, डॉक्टरों ने 40% बर्न बताया है, अभी तक के निजी खर्चे पर इलाज चल रहा है। डीएम साहब के निर्देश पर आज से सरकारी स्तर पर इलाज शुरू हुआ है, आज सरकारी स्तर पर ही मेरे घाव की ड्रेसिंग हुई है, दवा भी दी गई है। सिविल सर्जन सर आए थे, उन्होंने मेरे घाव को देखा और इस संबंध में कई निर्देश दिए गए। बता दें कि शनिवार की शाम डीएम राजीव रोशन ने जीएम रोड पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात की थी। उन्होंने निक्की से कहा था कि वो अपनी मांगों से संबंधित आवेदन मुख्यमंत्री के नाम लिखकर उन्हें दे, वो उस आवेदन को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। इस संबंध में निक्की ने कहा कि आज रविवार है, इसलिए डीएम सर को हम लोग कल आवेदन देंगे। आवेदन में हम लोग परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सुरक्षा की मांग करेंगे। निक्की ने कहा कि जब इस तरह की घटना हो गई तो हमें आगे के लिए भी सुरक्षा की जरूरत है। अपराधियों ने 10 फरवरी की देर शाम वारदात को अंजाम दिया था। गत 10 फरवरी की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में स्वर्गीय श्रीनाथ झा के घर को अपराधियों ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया था और पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दी थी। आग में झुलसने से 4 लोग घायल हो गए थे, इनमें से 2 लोग स्वर्गीय श्रीनाथ झा के पुत्र संजय झा और उनकी बहन पिंकी झा को गंभीर हालत में डीएमसीएच से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था। पीएमसीएच में 11 फरवरी को पिंकी झा के गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की मौत हो गई थी। 15 फरवरी की सुबह पिंकी झा और उसी दिन संजय झा की मौत भी पीएमसीएच में हो गई थी। वही संजय झा की बहन निक्की झा का घर पर ही इलाज चल रहा है, इस घटना में वह 40% झुलस गई है। इसके अलावा संजय झा की पड़ोसी पूजा झा भी इस घटना में घायल है। इस दौरान अपराधियों ने घर के लोगों की जमकर पिटाई भी की थी, उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा था। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपित मधुबनी जिले से जयनगर थाने के महथा निवासी शिव कुमार झा समेत 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उधर सूत्रों के अनुसार पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपित ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अपने कबूलनामे में उसने भाड़े के लोगों से वारदात को अंजाम दिए जाने की बात कही थी।